बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की बुधवार देर रात तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें फौरन रात 10 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आज यानी गुरुवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत कैसी है ये जानने के लिए एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास से फोन पर बात की। साथ ही दिल्ली पुलिस ने एम्स कैंपस के गेट पर और प्राइवेट वार्ड के गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक 96 साल के आडवाणी को ओल्ड एज से जुड़ी परेशानी है। साथ ही अस्पताल ने बयान जारी कर जानकारी दी कि आडवाणी की हालत स्थिर है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी एम्स में एडमिट है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने एम्स कैंपस के गेट पर और प्राइवेट वार्ड के गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही एम्स के गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कई वीआईपी देखने के लिए और उनका हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंच सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली एम्स में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हाल ही में 31 मार्च को वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीति में उनके लंबे योगदान के चलते भारत रत्न से नवाजा गया था, जिस दौरान भी तबीयत खराब होने की वजह से वो राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच सके थे। इससे पहले उन्हें साल 2005 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। आडवाणी देश के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। साल 2002 से 2004 तक उन्होंने उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। साथ ही दिग्गज नेता आडवाणी ने सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री का पद भी संभाला। वो 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे। आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जरिए अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था, जिसके बाद वो राम मंदिर के आंदोलन में काफी आगे रहे और अहम भूमिका निभाई। साथ ही बीजेपी की नींव रखने वाले नेताओं में उनका नाम शुमार है। गांधीनगर सीट आडवाणी का गढ़ कहा जाता है। वो गांधीनगर से 7 बार सांसद रहे, साथ ही 4 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। साल 2014 में आडवाणी ने आखिरी बार लोकसभा का चुनाव गांधीनगर से लड़ा था और जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने खराब सेहत के चलते चुनाव नहीं लड़ा। आडवाणी के बाद इस सीट से पिछली 2 बार से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं।